नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवार्ता। लॉकडाउन के लागू होने के कुछ समय बाद ही स्कूल एवं यूनिवर्सिटीज ने भांप लिया था कि स्थिति में अभी सुधार नहीं होने वाला और कैंपस को खोलना अभी मुनासिब नहीं। सभी स्कूल कॉलेजेस ने बिना देरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। इस कदम को सबने सराहा भी और सरकारी स्कूल भी कुछ इसी तर्ज पर काम करना शुरू हो गए, पर कुछ ही समय में इसकी खामियां नजर आने लग गई। और मुद्दा तो यह हो गया कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि नहीं है, वह कैसे पढ़ाई करेंगे। बात भी बिल्कुल जायज लगी। यहाँ आज भी भारत में भूख से लोग मरते हैं और मूलभूत सुविधाओं के बीच बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचते हैं। वहां बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने तैयार हैं। तो इन सब आलोचनाओं के बीच सरकार ने एक नई घोषणा की, वन क्लास वन चैनल का नया प्लान लेकर आए। क्या है ये प्लान, इसकी बात करते हैं बाद में। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी मनोज अहोजा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केरल सरकार 1 जून से स्कूल को फिर से खोल सकती है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। तो एक्वायरी साइमंड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 महामारी ने उन 48% भारतीय छात्रों के निर्णय को प्रभावित किया है जो विदेश में पढ़ना चाहते थे। बिहार 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को इस महीने में अंत में परिणाम जारी करने की उम्मीद है। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज JB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने देहरादून में शनिवार को एक कश्मीरी छात्रा को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। लड़की BTech सिविल इंजीनियरिंग 3rd ईयर की छात्रा है और श्रीनगर से ताल्लुक रखती है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, वन क्लास वन चैनल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को बड़े पैमाने पर लाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार उन बच्चों की मदद के लिए कदम उठा रही है जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। स्कूलों द्वारा डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड उपयोग करने पर 12 और ई लर्निंग चैनल मिलेंगे। नई योजना के अनुसार 15 चैनल जोड़े जाने थे, 3 जोड़े जा चुके हैं जबकि 12 को जोड़ा जाना भी बाकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों की शिक्षा के लिए मदद मिलेगी। टाटा स्काई और DTH जैसे निजी संचालकों के साथ शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करने का करार किया गया है। हर क्लास के लिए एक TV चैनल होगा और स्कूल शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया जा रहा है। रेडियो को फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग माध्यम की तरह यूज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा 12 और चैनल जोड़े जा रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए एक बड़ी मदद होगी। बच्चे तकनीक से प्यार करते हैं और उसे जल्द अपनाते हैं। ई पाठशाला में 200 नई पाठ्य पुस्तकें जोड़ी जा रही हैं। मतलब अब सरकार TV रेडियो चैनल्स का प्रयोग करेगी शिक्षा प्रसार के लिए, क्योंकि आज भी TV रेडियो की पहुंच बाकी किसी अन्य माध्यम से अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 99% पॉपुलेशन तक रेडियो के AM चैनल की पहुंच है और FM की रीच 65% पॉपुलेशन तक है। इसका मतलब TV और रेडियो क्लासरूम बनने जा रहे हैं। शैक्षिक सुधार संक्षेप में, ई विद्या डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सप्रेस के लिए एक कार्यक्रम तुरंत किया जाएगा जिसमें शामिल है कक्षा 1 से कक्षा 12वीं प्रति कक्षा 1 TV चैनल। TV चैनल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा, ई कंटेंट और सभी ग्रेड के लिए QR कोडेड पाठ्य पुस्तकें, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग किया जाएगा। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। DTH पर स्वयं प्रभा चैनल शुरू किए जाएंगे जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी भी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी व्यूअरशिप में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस सब में अब ये देखना होगा कि भारत सरकार द्वारा लिए गए ये कदम कितने कारगर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रियंका चर्या, आप देख रहे हैं एडवार्ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के उसको सब्सक्राइब करें। हर इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।